अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, T20 में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम की अब टेस्ट सीरीज को जीतने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला टेस्ट मैच कब स्टार्ट होगा और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे खेला जाएगा और पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम क्या होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, खास तौर पे टेस्ट सीरीज के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम मजबूत है, टेस्ट सीरीज जीतेगी। तो चलिए देख लेते हैं शेड्यूल। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर से 25 नवंबर को खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देनी है। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में ओपनिंग करेंगे पहले नंबर पर हारिस सुहेल, इसके बाद दूसरे नंबर पे इमामुल हक ओपनिंग करेंगे टेस्ट सीरीज में। पहले टेस्ट के लिए तीसरे नंबर पे होंगे बाबर आजम, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और चौथे नंबर पे होंगे पाकिस्तान टीम के कैप्टन अजहर अली। पांचवें नंबर की बात करें तो असद शफीक को पहले टेस्ट में रखा जाएगा पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे विकेट कीपर बैट्समैन होंगे मोहम्मद रिजवान। अगर बात करें हम सातवें नंबर की तो सातवें नंबर पे होंगे ऑलराउंडर इफ्तखार अहमद, और आठवें नंबर पे होंगे ज़बरदस्त स्पिन बॉलिंग करने वाले यासिर शाह। फास्ट बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी को रखा जाएगा नौवें नंबर पे पहले टेस्ट के लिए। दसवें नंबर की बात करें तो दसवें नंबर पे नसीम शाह को रखा जाएगा। ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद अब्बास खेलेंगे, जो कि फास्ट बॉलर हैं। तो दोस्तों, ये थी 11 रुकनी टीम जो पहले टेस्ट में खेल सकती है। एक या दो तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन कंफर्म है कि ये टीम खेलेगी। तो दोस्तों, आप लोग ने कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीतेगी ऑस्ट्रेलिया से या ड्रा करने में कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निकबान।